हे गाइज, अभी फिलहाल मैं पोको F1 के अंदर ड्यूरेक्स रोम यूज कर रहा हूँ, जिसे यूज करते हुए पूरा कंप्लीट वन डे हो चुका है। और इसके अंदर आपको काफी कुछ कमाल की चीजें देखने को मिल जाती है और काफी इंटरेस्टिंग कस्टमाइजेशन भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है कस्टमाइजेशन, क्या है स्टेबिलिटी और कैसी है बैटरी की डिटेलिंग्स। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट आपको मिलता है ड्यूरेक्स के तरफ से। और ये ड्यूरेक्स का जो रोम है वो बीटा वर्जन का एंड्रॉयड 10 ब्रेलियम, जिसका बिल्ड रेट आपको 2019.14 का देखने को मिलता है। 5 दिसंबर का सिक्योरिटी पैच है, तो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे सिल्वर कोर प्लस का कर्नल यूज किया गया है, जो कि ठीक ठाक बैटरी की डिटेल्स वगैरह और परफॉर्मेंस देता है। अपडेट के सेशन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है डेवलपर का ऑप्शन, जो कि पहले से इनेबल है। बैकअप एंड टाइम एंड डेट मिलता है। डिजिटल वैल्यूइंग बताता है कि आपने आज क्या क्या चीजें है जो यूज की है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट फुल्ली वर्केबल है, लेकिन बहुत सारे यूजर्स कहते हैं डिमांड की फेस अनलॉक है या नहीं। तो भाई एंड्रॉइड 10 का फेस अनलॉक शुरू से डिसेबल रखा गया है कंपनी की ओर से, गूगल की ओर से, जिसकी वजह से हमें कस्टमरों में अभी तक फेस अनलॉक देखने को नहीं मिला है जो एंड्रॉइड 10 पे रन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एमआई साउंड इनहेंसर देखने को मिलता है, जो कि काम करता है अच्छे तरीके से। और मैं इस ड्यूरेक्स रोम का फर्स्ट टाइम रिव्यू कर रहा हूँ, तो हर एक कस्टमाइजेशन आपको है जो शो करने वाला है कहाँ पे क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। डिस्प्ले के अंदर हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग वगैरह देखने को मिल जाता है, नोटिफिकेशन टैप का और नॉच बिहेवियर का, जहाँ पे आप नॉच को हाइड कर सकते हो। तो नॉच हिडन का जो ऑप्शन है वो डेवलपर के ऑप्शन में ना देकर आपको दिया गया है ऑन स्क्रीन डिस्प्ले के सेटिंग में, जो कि काफी अच्छा है, जिसे हाइड करने के बाद आप नॉच हाइड करने के बाद स्टेटस बार को पूरा यूज कर सकते हो। डार्क थीम यहाँ पे स्टाइल्स मिल जाता है, जहाँ पे आपको ऑल टाइमिंग का फीचर्स दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो बैनर सिस्टम है वो अभी तक ऐड नहीं किया गया है। वॉलपेपर में भी आपको जो वॉलपेपर का सेशन देखने को मिलता है, लेकिन पिक्सल के वॉलपेपर अभी तक ऐड नहीं किए गए हैं, बाकी वही सेम कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। सिस्टम वाइज जो डार्क मोड है एंड्रॉइड 10 का वो तो हमें मिलता ही मिलता है। हम आते हैं होम स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद चलेंगे इसके एक्स्ट्रा सेटिंग और बैटरी की डिटेल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो पिक्सल का कैमरा यूज कर सकते हो, जो कि 10 को सपोर्ट करता है, अदरवाइज दूसरा कैमरा आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई भी कैमरा दिया नहीं गया है। ये रहा इसका अनट्रू का स्कोर, जो कि 7358495 का है, जो कि ओवरऑल ठीक है, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि अगर आप गेमिंग के लिए इसे यूज करने वाले हो तो भाई आपको जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा गेमिंग की प्ले में। यहाँ पे L1 का सपोर्ट मिल जाता है, तो अच्छी बात यह है कि Android 10 का सपोर्ट होते हुए भी आपको L1 का सपोर्ट दिया गया है, जो कि मुझे सही लगा। आप इसे इजीली रूट करके माइग्रेट के थ्रू अपने एप्लीकेशन को रीस्टोर कर सकते हो, डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे, तो जैसे ही आप इसका एक्स्ट्रा सेटिंग खोलोगे तो आपको वाइपर ओएस की याद आ जाएगी, जो कि अभी फिलहाल अपडेट नहीं आ रहा है, रुक गया है। तो यहाँ पे कुछ उसी तरह का UI देखने को मिलता है सेटिंग्स का, जहाँ पे राउंड कॉर्नर्स का, गेमिंग मोड, सस्पेंडेड एक्शन, एनिमेशन, CPU, डोज, पावर प्लग वगैरह, और स्क्रीन शॉट टाइप, जो कि ड्रैग एंड ड्रॉ वाला करना है या फिर आपको फुल लेना है, स्टेटस बार, डैशबोर्ड सजेशन, कंडीशन और सिलेक्टेड एप्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बैक की ओर चलते हैं, पावर मिनट आपको जो एडवांस बूट मेनू, फ्लैश लाइट, स्क्रीन रिकॉर्डर और बाकी उनके जो कैपेसिटी कितना होना चाहिए वो सारी चीज़ आप मेंटेन कर सकते हो। लॉक स्क्रीन में आपको मिलता है फिंगरप्रिंट, जहाँ पे PF एरर वाइब्रेट और ऑथेंटिकेशन वाइब्रेट का ऑप्शन मिलता है। लॉक स्क्रीन में आप हाइड कर सकते हो अपने स्टेटस बार को, बॉटम को, यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले मिल जाता है। लॉक स्क्रीन के स्टाइल्स वगैरह मिल जाते हैं, जहाँ पे हेडर फुटर क्लॉक वगैरह को है जो आप साइज को स्मॉल एंड लार्ज कर सकते हो। विजुअलाइजर मिलता है, जहाँ पे आपको लावा लैंप वगैरह दिया गया है, कलर्स कैसा रखना है वो सारी चीज़ आप मेंटेन कर पाओगे, किस तरह का उसका रिफ्रेश रेट होना चाहिए एनिमेशन का वो भी आप जो मेंटेन कर सकते हो, उसका एल्बम ब्लर होना चाहिए या फिर नहीं वो भी आप मेंटेन कर पाओगे। स्टेटस बार के अंदर आपको मिलता है बैटरी ऑप्टिमाइजिंग, जहाँ पे बैटरी से रिलेटेड सारे सेटिंग्स दिए गए हैं, जैसे कि हमें जो एंड्रॉयड पाई पे भी देखने को मिलता था, जो कि मुझे सही लगा। आप उसे चाहो तो कलर्स वगैरह भी कर सकते हो। कैरियर लेवल में आप अपना नाम डाल सकते हो, जो भी आप रखना चाहते हो, या फिर जो सिम यूज कर रहे हो उसका नाम है जो ये खुद शो कर देगा। तो इस तरीके से आप नाम है जो रीनेम कर सकते हो अगर आप रखना चाहते हो तो ये चीज आपको मिल जाती है, जहाँ पे आप फॉन्ट वगैरह भी जो सिलेक्ट कर पाओगे, बोल्ड रखना है या नहीं रखना है, कलर करना है या नहीं करना है, ये आप चीजें यहाँ पे कर सकते हो, जो कि काफी अच्छी चीज दी गई है। क्लॉक के अंदर वही सारी चीजें सेम मिल जाती है, जो कि बाकी अदर रोम समय है जो प्रोवाइड करता था पाई वाला। तो एंड्रॉइड 10 पे भी आपको पाई वाले बेनिफिट मिल जाते हैं। आइकन मैनेजर में आप कस्टम लोगो सेट कर सकते हो, जो कि मैंने अभी एप्पल का डाल रखा है, बाकी टॉस, ब्लूटूथ, बैटरी स्टेटस वगैरह आपको मिल जाता है। नोटिफिकेशन के अंदर डायलर, हैंड्स अप ऑप्शंस वगैरह आपको मिल जाते हैं, फोर्स क्लोज नोटिफिकेशन, ब्लिंकिंग, कॉलिंग के टाइम वगैरह, एज लाइट दिया गया है। अगर आप इसे लॉक करते हो, डबल टैप करोगे या फिर कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह अपेयर होता है तो
तो आपको जो एज लाइटिंग देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, जो कि भाई मुझे काफी ज्यादा मजा आता है देखकर, क्योंकि फिलहाल मैं वन प्लस 70 प्रो यूज कर रहा हूँ जिसमें ये फीचर्स हमें ऑलरेडी डिफॉल्ट मिलता है, लेकिन वही सेम फीचर्स हमें इस कस्टम रोम में देखने को मिल जाता है वो भी हमारे पोको एफ वन की वजह। तो ये भाई ये मुझे काफी बेटर लगा। और अनलिमिटेड कलर्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टी कलर जो भी आपका फेवरेट है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद वाइब्रेशन कॉलिंग के लिए, डिस्कनेक्टिंग के लिए और वेटिंग के लिए भी आपको मिल जाता है। ट्रैफिक इंडक्टर में रिफ्रेश रेट वगैरह आप सेट कर सकते हो ट्रैफिक का, यानी इंटरनेट मीटर का। हार्डवेयर बटन पे आते हैं तो आपको बटन की कस्टमाइजेशन थोड़ी बहुत मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल क्या क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये चीज आप यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन इस पर जैसे टाइप करोगे अपना एंड्रॉइड 10 वाला हमें UI शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल, वॉल्यूम रॉकर, रोटेशन और यहाँ पे बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो मैक्सिमम ऑप्शन यहाँ पे आपको पाई वाले देखने को मिलते हैं। यूएसबी का बेनिफिट मिल जाता है जहाँ पे स्क्रीन शॉट का ऑप्शन तो नहीं दिया गया क्योंकि वो रैक्स यानी ड्यूरेक्स के एक्स्ट्रा सेटिंग्स में हमें देखने को मिला था। तो सारी सेटिंग्स हो गई, अब बात करते हैं इसके बैटरी की, क्या रियली में बैटरी काफी अच्छा है या फिर बाकी की तरह बेकार है। तो मैं यहाँ पे बैटरी का ग्राफ ओपन करने लगा जहाँ पे आप देख पाओगे कि 2 hours 8 minutes तक यूज किया गया, 23 hours पहले से फुल चार्ज किया गया था यानी चार्जिंग से डिस्कनेक्ट किया गया था। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि बहुत ज्यादा मैंने इसका यूज किया डाउनलोडिंग के लिए और हॉटस्पॉट के लिए, जिसके अनुसार मैं कहूँगा कि बैटरी ओवरऑल ठीक है। लेकिन गाइज यहाँ पे जो अभी तक जितने भी एंड्रॉइड 10 आ रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट किंडल के अनुसार बैटरी वगैरह कम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे 4 hours IDM मैंने यूज किया है, बाकी कॉल्स वगैरह यूज किया है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट और डाउनलोडिंग मैंने जो यूज किया है, जो कि आपको ग्राफ के अंदर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मैं ओवरऑल यही कहना चाहूंगा भाई बैटरी आपको ठीक ठाक मिल जाती है एंड्रॉइड 10 के हिसाब से, लेकिन वहीं पर अगर आप इसे कंपेयर करने वाले एंड्रॉइड पाई वाले रोम्स के साथ तो भाई आपको जो बैटरी में थोड़ी बहुत तो कमियां देखने को मिलेगी ही मिलेगी। रही बात इसके स्टैंड बाई की, तो मैंने इसे 61% पे लेफ्ट किया था चार्जिंग से, आप देख सकते हो 5 hours पहले। उसके बाद जब मैं मॉर्निंग पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे 13 हो चुका है, तो 55% जा चुका है। यहाँ पे 6% की बैटरी ड्रेन हुई है ओवरनाइट में, वो भी 4G के नेटवर्क पे। तो यहाँ पे 6% का बैटरी थोड़ा सा ज्यादा कह सकते हो, लेकिन एंड्रॉइड 10 में अभी तक जितने भी रोम आ रही है सब में हमें 5-6 तो बैटरी ड्रेन देखने को मिल ही रहा है। तो यहाँ पे ऑल ओवर मैं कहूँगा कि रोम सही है बाकी अदर एंड्रॉइड 10 के हिसाब से। रही बात इसके बूट एनिमेशन की, तो चलिए बूट एनिमेशन भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पोको का लोगो आ चुका है और अभी जितने भी एंड्रॉइड 10 के रोम आ रहे हैं सबका बूट एनिमेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया, काफी ज्यादा फिनिशिंग के साथ हमें दिखाई देता है। लेकिन वहीं पे इस ड्यूरेक्स के रोम की बात की जाए तो बूट एनिमेशन में मुझे कुछ खास चेंजिंग नहीं लगा है, जैसा हमें पाइप पे देखने को मिलता था सेम अभी भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो कोई भी इंप्रूवमेंट एनिमेशन के अंदर नहीं हुआ है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई है, इन्फो अच्छी लगी है, एक थम्स अप जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, ताकि नेक्स्ट टाइम की वीडियो आपको जो मिल सके ऑन टाइम। सो गाइज मिलते हैं, बाय बाय।